अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से एक दुपट्टा बनाना सिखा रही हूँ। टसल्स आप देख सकते हैं, ये आपको मैंने रिसेंट वीडियो में बनाना सिखाए थे, अगर नहीं आते तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे पास एक शेफून का दुपट्टा पड़ा है, साइडों से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। बहुत पुराना दुपट्टा है तो मैंने सोचा कि ना इसको मैं थोड़ा सा फैंसी बनाऊँ, और वाइट कलर का दुपट्टा था। अब आप दो साइज़ की प्लेट्स ले लें, मैंने एक प्लेट ली है, दो आपने एक जैसे बनाने हैं, छोटे ब्लॉक्स। ये बुकरम है, ठीक है। बुकरम के ऊपर मैं तीन ब्लॉक्स जो है सर्कल्स बना लूँगी। ये टोकरी से मैं बना रही हूँ एक, ठीक है, एक बड़ा बनाना है और दो मैंने इससे थोड़े साइज़ के छोटे बनाने हैं। आगे आप देखेंगे कि मैंने किस तरह बनाए। बुकरम पे आपने करने के बाद इनको आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो सही समझ आए, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़रा जूम में बन गई है वीडियो, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको इसमें हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब मैंने बुकरम के तीन जो पीस काटे हैं, सर्कल्स काटे हैं, वो मैं काट लूँगी, ठीक है। अब आपके पास अगर एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं, कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास डिफरेंट कलर्स के कपड़े पड़े हैं, तो मैं दो सर्कल्स के लिए एक कलर यूज़ करूँगी, और बीच वाला जो सर्कल है उसके लिए मैंने पिंक चूज़ किया है, क्योंकि वाइट दुपट्टा है। आप चाहे तो आप तीनों एक जैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप मल्टी कलर्स में कर सकते हैं, जिस तरह के ड्रेस के ऊपर आप बनाना चाहते हैं। अब बुकरम आप कपड़े के ऊपर रखें और उसे हल्के हल्के से आप उसे प्रेस करके उसके साथ चिपका दें। फ्रंट साइड से भी उसकी इस्त्री कर लें और बैक साइड से भी कर लें, ठीक है। इस्त्री करने से जब बुकरम अच्छे से चिपक जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने इसको काट लेना है, ठीक है। अब याद रखिए, ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ, एक तो बुकरम कपड़ा जो है वो बुकरम के साथ चिपक गया है, एक इसी तरह का कपड़ा मैंने और भी काटना है, जो कि मैं ऊपर लगा के उसको स्टिच करूँगी, ठीक है। तो मैंने दो कपड़े एटलीस्ट काट लिए, ये मैंने दो कपड़े काटे हैं, देखिए, एक ऊपर लगाने के लिए और एक बुकरम के साथ मैंने चिपका दिया है। ये देख सकते हैं, सर्कल था, बुकरम काटी मैंने, कपड़े के ऊपर रख के उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। अब मैं इस तरह करूँगी, अब मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ग्रीन ज़रा छोटा सर्कल है, तो मैं अब इस बुकरम को रख के काट के बिल्कुल वैसे ही बना लूँगी, ठीक है। वो मेरे पास ब्लॉक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं सर्कल्स। अब आप देखें, मैंने आपको कहा था एक आपने एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है, तो वो मैंने काट लिया है। अब आप देख सकते हैं, जो ये है कपड़ा है, पहले तो मैं बुकरम के ऊपर जो है इसकी, ये थोड़ा सा डार्क कलर का धागा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, ताकि उसकी जो शक्ल है वो नज़र आए। आप चाहे तो आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियान से एक दफ़ा मैं इसको पक्का कर लूँगी, और फिर इसके ऊपर जो है आप ये देखें कि मैंने येलो कलर का यूज़ किया है तो किस तरह वो नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं इस पर फ्लावर्स भी बना सकती हूँ, और मैं इस पर डिफरेंट किस्म के स्टाइल बना के, ताकि जो एक लुक है सर्कल की वो नज़र आए। मैं जो हूँ सिंपल इसमें लाइंस लगाऊंगी, ठीक है, मैं इसमें सिंपल सर्कल के अंदर ही लाइंस लगा के मैं डब्बे बना लूंगी, ठीक है। तो दूसरी साइड से आप देखेंगे वो आपको नजर आएंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। कलर अपनी मर्जी, मरून भी यूज कर सकते हैं, डार्क पिंक भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने फिरकी को चेंज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे साइड पर स्टिचिंग करनी है। अब मैंने टसल्स को इसके साथ लगा के इसका ब्लॉक बना लेना। देखिए फ्रेंड्स, आप पहले से जो है इनको सेट कर लें। ये रखने के बाद मैं इसके ऊपर दूसरा वाला पीस रखूंगी। याद रखें, यहाँ मैंने नलकी चेंज कर ली है, ठीक है। जो कलर है थ्रेड का, वो शॉकिंग पिंक जो कलर है वो ही ले लिया है मैंने। अब हम इसको इस तरह करके हम साइडों से पूरा इसको राउंड में शेप कर लेते हैं, इसको हम स्टिच कर लेते हैं। आपने टसल्स का ख्याल रखना है कि वो कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, उनको पोजीशन पे ही आपने स्टिच करना है। तो उसको साथ साथ देखते हुए, बेशक आप उसकी जो लड़ी है वो बड़ी रखिएगा, ताकि आपको नज़र आए कि आप उसकी स्टिचिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए हर चीज़ क्लियर बता रही हूँ, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आप ये देखें किस तरह ये स्टिच हो गए हैं साथ में, ठीक है। अब मैं बहुत ईजिली जो है आगे स्टिचिंग कर लूँगी।
तो ये लगाने के बाद आपने इसी तरह सेम जो है वो जो दूसरे जो सर्कल्स मैंने काटे हैं उनके साथ भी हमने सेम ये करना है। कोई क्वेश्चन हो आपका आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, जिस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स में लिखा करें, हम आपकी डिज़ायर्ड चीज़ें बनाएंगे और आपको बनाना सिखाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, क्योंकि अब मैं ये बैक साइड से स्टिचिंग कर रही हूँ तो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी सीधा तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत सी इसकी शेप बन गई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मेरा तैयार हो गया। अब जो साइड थी इसको मैं स्टिच कर लूँगी, ठीक है। ये आप मैंने इसलिए छोड़ी थी कि ताकि मैं इसको सीधा कर सकूँ। अब मैंने उसको किस तरह स्टिच करना है, जो साइड छोड़ दी गई है वो आप देख सकते हैं। इसको सिंपल आप थोड़ा सा फोल्ड करके साइडों से आप स्टिचिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बैक साइड से कर रही हूँ और पूरा मैं एक राउंड जो है वो लगा लूँगी, ताकि एक तो ये मजबूत चीज़ बन जाए, अपनी जगह पे ये खड़ी रहे सारी चीज़ें, और दूसरा ये इसकी एक लुक जो है वो बहुत अच्छी आए। ये फ्रेंड्स आपका सर्कल हो गया है तैयार। अब आप देखें येलो कलर का इस्तेमाल मैंने करके तो मैंने इसको एक शेप दे दिया। आप चाहे तो और कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सर्कल तैयार हो गया है, आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं, चाहे तो बड़े बना सकते हैं, चाहे छोटे छोटे बना के आप एक लाइन में लगा सकते हैं। अब इसी तरह मैंने येलो कलर और ग्रीन कलर का भी बना लिया, क्योंकि मैं मल्टी कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम एक जैसे कलर्स यूज़ करें, चाहे तो डिफरेंट कलर यूज़ करें, आप पे डिपेंड करता है। अब जो मेरे पास शिफॉन का दुपट्टा है वो आप देख लें, उसको मैंने बंद किया है और उसमें जो सेंटर है उस पर निशान लगाया है। फिर आप उसको एक और फोल्ड दें और उन पर निशान लगा दें, ठीक है। एक दरमियान में मैं लगाऊंगी और दो मैं साइड्स पर लगाऊंगी। अब फ्रेंड्स जो बड़ा वाला सर्कल है वो मैंने दरमियान में रखना है, ठीक है। पहले मैं इसको पिन से पक्का करके रख लेती हूँ कि मुझे ये लगाना कैसे है। ये देख सकते हैं हाफ बाहर आएगा और हाफ दुपट्टे के ऊपर आएगा। फिक्स करके आप पिन्स लगा लें ताकि आपको पता हो कि हमने इसको लगाना कहाँ पे है। इसी तरह फ्रेंड्स मैंने दूसरों को भी पिंस लगा के उनको फिक्स कर लिया है, ठीक है। दो दो तीन तीन पिंस लगाएं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी आपने और क्या करना है इसके साथ। अब हम इसको थोड़ा सा एक अच्छी शेप देने के लिए इसकी जो साइड्स हैं, जो रिबन है मेरे पास पतला वाला, आप रिबन ले लें, ठीक है। पिंक कलर का रिबन मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये वाइट कपड़ा है, पिंक इस पर बहुत उठेगा। तो आपने इसकी सिर्फ साइड्स पर, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये सर्कल्स लगाने हैं वहाँ पर मैं इसको लगा लूँगी। फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट हो गया। अब जो आपके सर्कल्स हैं उनकी आपने स्टिचिंग करनी है, दुपट्टे के ऊपर ही आप उसको चिपका दें, ठीक है। उसको हम देखें जिस तरह मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करके आपने उसको फिक्स कर लेना है दुपट्टे के ऊपर। मैं आप
आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइड तैयार हो चुकी है, इसी तरह आपने दूसरी साइड लगानी है। मैंने इसके ऊपर ये बटन्स लगाए हैं, किसी भी कलर के आप लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने सुई धागे से इसको, नीडल से आपने इसको बटन को लगा लेना है ऊपर, ठीक है, ताकि एक अच्छी शेप मिल जाए। टसल्स हम आपको बनाना सिखा चुके हैं, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, बटन लगाने की वीडियो भी मिल जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह सेम आपने दूसरी साइड पे लगाना है, चाहे तो सर्कल्स छोटे बनाएं, चाहे तो बड़े बनाएं, चाहे तो बहुत सारे लगा सकते हैं। एक स्टाइल, एक डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिया है, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।